जो ये चर्चा हम कर रहे हैं ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत सारी बातें हो चुकी है, लेकिन मैं इसे लीगल पर्सपेक्टिव से लेना चाहती हूँ। ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव मानव अधिकार का जब तक ये मुद्दा नहीं बनेगा, जब तक ये लोगों की वॉइस का, लोगों की यहाँ पर जो प्रेस इकट्ठी हुई है, मौजूद है, वे लोगों की आवाज है। एंड दिस इज द बेस्ट मेथड एंड स्ट्रैटेजी लॉबिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनोसेंस। तो आज जब हम यहाँ 11 साल से ड्रेकोनियन ट्रीटमेंट हमारा भाई आनंद चौहान भुगत रहा है और उसके ऊपर 59 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो चुका है विदाउट प्रॉपर ट्रायल, और एक्यूसेशन क्या है, ही हैज बीन हैरेसिंग व्हाइट वुमेन, देयर इज नो कॉज, लाइक डिटेक्टिव उनके ऊपर कोई एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाया है, नो विटनेसेस हैव बीन फाउंड टू प्रूव हिम गिल्टी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी गवाह, कोई भी एविडेंसेस उनके खिलाफ नहीं है जो ये साबित कर पाए कि वे गुनाहगार हैं। इसका मतलब क्या है, उनके ऊपर बहुत बड़ी साजिश रखी गई है। इसका अर्थ ये भी है कि ही इज ऑल्सो टारगेटेड एज वन ऑफ, एज अदर्स हैव सेड जेलसी, आई से दैट ही हैज बीन इंटरट्वाइन विद स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन। जो मैं उनकी चीजें पढ़ रही हूँ, वो स्क्वाटिंग करते हैं, वो ऑब्जेक्शन है। जो वो इंडियन वे में कुछ कर रहे, दिस आर नथिंग बट ओनली प्लान्ड स्ट्रैटेजी टू कैच यू, है ना। एक वकील होने के नाते मैं भी एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, उसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं है इनके केस में जो इन्हें सबूत दें, जो हमें एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करें कोर्ट को, और कोर्ट अपना जब उनके उनसे केस छूट रहे हैं, उनके ऊपर से ऑफेंसेस निकाले जा रहे हैं, तो यहाँ बहुत ही ज्यादा एडवोकेसी की जरूरत है। एंड दैट एडवोकेसी इज हियर इन दिस ग्रुप। अगर यहाँ पर हम सही में आनंद के लिए एडवोकेसी करना चाहते हैं, इट हैज टू बिगिन फ्रॉम हियर। दैट इज माय स्ट्रॉन्ग पॉइंट टुडे, कि जब तक हम आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे लोग किसी भी धर्म से, किसी भी जात से, किसी भी रेस से, लैंग्वेज से कहीं बाहर जाएंगे, वे हमेशा हमेशा टारगेट बनते रहेंगे। दिस इज नथिंग बट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसे लड़के को डिस्क्रिमिनेट किया गया है जिसने बहुत बड़ी औरती तक को पहुंच के आसमान को छू रहा था। तो ये साजिशों के खिलाफ हमें लड़ना है, स्ट्रैटेजी बना के लड़ना है, रणनीति के साथ लड़ना है, और अपने देश को साथ, वी हैव टू प्रेस आवर गवर्नमेंट टू डू जस्टिस फॉर आवर ब्रदर। हमारे भाई को जो भारत में नहीं है, बाहर है इस समय, अपने आप को असहाय, हेल्पलेस महसूस कर रहा है, उनकी बहन जो लड़ रही है, आई थिंक इफ इट्स अ कॉज वी आर ऑल टुगेदर। क्योंकि सिर्फ ये गैदरिंग से, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होके खबर छप जाए, कहीं पब्लिसिटी हो जाए, वहां तक से काम नहीं चलेगा। इट नीड्स टू बी अ कैंपेन, ऑनगोइंग कैंपेन, एक्टिविज्म फ्रॉम आवर हार्ट। अगर 10 लोग भी इस चीज के ऊपर आज विश्वास करते हैं, तो मुझे लगता है वी कैन कम आउट विद अ सॉलिड सॉल्यूशन, बिकॉज प्रेशर नीड्स टू बी बिल्ड अप एट द प्रॉपर प्लेटफॉर्म्स, and we are here for that. So I am privileged to be here, dear, with you, Sanjana, to share with you my heartfelt grievance and gratitude to you for your struggle. And it's not yours, it's a struggle. हम सब का ये दिली, अगर उनके साथ मैं ये नहीं कहती हूँ sympathy, courage to speak up when we need to, हिम्मत उस समय बोलना है जहां हमें जरूरत है बोलने की। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इंटरनेशनल लॉबिंग टुडे ऑन बिहाफ ऑफ आवर ओन इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ताकि हमारे लोगों के, हमारे बच्चों के टैलेंट बने रहे, हमारे बच्चों की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वे बरकरार रहे, और आने वाले समय में हमारे बच्चे
किसी के लिए थ्रेट बन के नहीं, पर अपना सर ऊंचा उठा के दुनिया के हर एक कोने में जाके अपने आप को साबित कर सके, अपने आप को सफलता की ओर ले जा सके।